स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पार्ट 20 जो कि एक कविता है वो पढ़ेंगे। उठ गया किसान, किसान के बारे में है। किसान आपको पता है फार्मर, जो खेतों में हमारे लिए अनाज उगाते हैं, अनाज सब्जियां फल वगैरह। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। जो किसान होते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने खेतों में काम करना होता है, अपने जो गाय भैंस वगैरह उनको भी देखना होता है। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, और फिर वो अपने बैलों को खिला पिला कर चारा वगैरह और खेत पर लेके जाता है, बैल जो खेत को जोतते हैं हल। नहीं कभी त्यौहार न छुट्टी न है उसको आराम हराम, और जो कोई नौकरी वगैरह करते हैं उनकी तो फिर भी कोई छुट्टी होती है त्यौहार पे या वैसे संडे वगैरह के, लेकिन किसान, किसान का तो अपना खेत का काम है, उसे तो रोज़ काम करना ही है, तो उसकी ज़िंदगी कठिन है, उसको तो रोज़ काम करना है, उसको कभी आराम नहीं मिलता। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। और जब गर्मी होती है, कितनी लू चलती है, तब हम लोग कूलर पंखे एसी के वगैरह नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन जो किसान होता है वो तो खेत में काम करता है, वो बेचारा गर्मी में पसीने में काम करता है। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता ना लेता दम। और अगर बारिश भी आ रही हो तो देख, हम सब घरों के अंदर है या ऑफिस में कहीं भी, लेकिन किसान तब भी खेतों में अपने काम करता, बारिश में भी। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। मौन मतलब चुप। और फिर सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी में कितने हाथ पैर ठुठुरते हैं, हम लोग घर पे रजाई ओढ़ के बैठते हैं या कुछ भी अपना आग जलाते हैं या कुछ गर्म चीज़ें भी खाते हैं, लेकिन किसान क्या होता है, उसको फिर भी ठंड में भी खेतों में काम करना होता है, चाहे वो वहाँ पे आग जला के बैठे, कैसे भी रात में भी काम करता है, अपनी रात में भी रखवाली करता है चुपचाप से। है किसान को चैन कहाँ, करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। और किसान कभी आराम नहीं करता, वो हम इतना परिश्रमी होता है, मेहनती होता है कि वो हमेशा काम करता रहता है, तभी तो फसल अच्छी होती है और सब्जियां वगैरह जो उगाता है, अगर वो टाइम पे ना जाए, उनको पानी वगैरह ना दे, उनकी देखभाल ना करे, तो उसको ये खेत सूख जाएंगे। वो हमें इतना परिश्रमी होता है कि हमेशा काम करता रहता है। तो इस कविता के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी परिश्रमी यानी मेहनती होना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए। अब इसकी वर्कशीट हम करेंगे। शब्द अर्थ, लाली लाल रंग, खाट चारपाई, मूसलाधार घनघोर वर्षा, दम लेना आराम करना, ठिठुरना सर्दी से ठिठुरना, मौन चुपचाप, रखवाली देखभाल। विलोम शब्द लिखो, सवेरा रात, उल्टे शब्द हम लिख रहे हैं, अच्छा बुरा, पूरब पश्चिम, गर्म ठंडा। अब पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे, धरती धारा या भूमि, पानी जल या नीर, बादल मेघ और जलधर, औरत स्त्री और नारी। अब रिक्त स्थान भरो, बादल गड़गड़ गरज रहे थे, डैश खेतों में काम करता है, कौन करता है खेतों में काम, किसान, डैश खेतों में हल जोतते हैं, कौन जोतते हैं, बैल, डैश के जगने से पहले किसान उठ जाता है, किसके जगने से पहले, चिड़ियों के। प्रश्न उत्तर, किसान कब सोकर उठता है, किसान सुबह जल्दी सोकर उठता है। किसान बैलों को लेकर कहाँ जाता है, किसान बैलों को लेकर खेतों में जाता है। लू कब चलती है, लू गर्मी के मौसम में चलती है। बिना आराम के किसान खेतों पर क्या करता है, काम। सर्दी में किसान अपने खेतों की रखवाली कैसे करता है, सर्दी में किसान खेत में आग जलाकर उसकी रखवाली करता है। वाक्य बनाओ, रखवाली, चौकीदार रखवाली करता है। बरसात, कल बहुत बरसात हुई। चैन, परीक्षा के बाद विद्यार्थी चैन की नींद सोते हैं। आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। थैंक यू।